नमस्कार, न्यूज पर बिहार में आप सभी का स्वागत है। जेवनार कार्यक्रम का हुआ आयोजित। खबर सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड क्षेत्र के मुयागढ़ में स्थित कामनी माई के मंदिर परिसर में जेवनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुजारी हरेंद्र ठाकुर ने बताया कि जेवनार खीर भोजन का कार्यक्रम प्रतिवर्ष गांव मंडली के सहयोग से किया जाता है तथा शांति व सुखदायी अस्कामनी माई की पूजा अर्चना की जाती है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर किया गया। ग्रामीण निर्भय सिंह ने बताया कि इस मंदिर में स्थापित पत्थर की काली प्रतिमा काफ़ी प्राचीन है। उन्होंने बताया कि गाँव के बुजुर्ग बताते हैं कि सदियों से इस प्रतिमा की पूजा अर्चना होते आ रहा है तथा प्रत्येक शुक्रवार व सोमवार को दर्जनों महिलाएँ जेवनार चढ़ा अपनी मनोकामना पूर्ण की प्रार्थना करती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्र में जिनके भी गाय या भैंस बच्चा देती है तो उसके दूध से बने जेवनार चढ़ाने के बाद ही कोई दूसरा उस दूध का सेवन करता है। ग्रामीण नंदाल ने बताया कि यह प्रतिमा काफ़ी प्राचीन व पुरातात्विक महत्व की है तथा इसके बगल में 1500 वर्ष प्राचीन मीठा कुआं है जिसका जल मीठा लगता है तथा पहले उसी जल में मंदिर में पूजा अर्चना होता था। उन्होंने बताया था कि यह स्थल सामाजिक समरसता व धार्मिक सौहार्द का प्रतीक है। यह अस्कामनी माया का काली जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा में एक अश्व का प्रतीक लग रहा है और किसी पुरुष का ऊपर खड़ा हुआ लगता है। फिर इसमें एक पैर का भी चिन्ह प्रतीत होता है, ऊपर का तो टूटा हुआ है, लेकिन ये काली जो प्रतिमा है, पुरातत्व विभाग के अनुसार कुछ पदाधिकारी आए थे, वो पाल काल से बहुत पहले का बता रहे थे। और जो गांव के लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर लोग जेवनार करते हैं, खीर भोजन करते हैं, और जो मुकुट बंधन मुइयागढ़ है तो इतिसंग भी लिखा है, चूँकि ये तीतर स्तूप के बगल में है और तीतर स्तूप में के बगल में हिडवती नदी के पश्चिमी तट पर है, और यहाँ के स्थान का इतिसंग वर्णन किया कि मैं जब वहाँ पहुँचा था तो काली प्रतिमा के पास लोग भोजन चढ़ाते थे और आज भी यहाँ भोजन चढ़ाने की प्रथा है। तो अब बात क्या है ये तो स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि जो पुस्तक में भोजन चढ़ाने की प्रथा लिखी गई है आज भी यहाँ भोजन चढ़ाया जाता है। प्रति शुक्रवार और सोमवार को लोग खीर भोजन चढ़ाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जिस कुएं का मीठा कुआं का उल्लेख किया गया है वह मीठा कुआं इसके पश्चिम सटे बगल में ही है, इसलिए ये एक अति प्राचीन प्रतीत होता है। और यहाँ पर बहुत से NPBW के मृदभांड मिलते हैं, यहाँ बुद्ध के खंडित प्रतिमा भी मिला, जिससे ये लगता है कि ये प्राचीन अस्थल। कृष्ण कुमार सिंह सुधार्थी। ये अस्कामनी माँ का सदियों से मंदिर है, यहाँ पे हमारे बुजुर्ग बहुत सदियों से पूजा पाठ करते आए हैं और सोमवार और शुक्रवार का खीर भोजन का यहाँ पर पूजा होता है और बहुत दूर दूर का से व्यक्ति आके और यहाँ पे खीर और पूजा चढ़ाते हैं। आइए, माँ की बहुत जगत माता है, जो अपना या मन्नत सब मांगता है सब पूरा होता है और ये सदियों से चलते आ रहा है। इस क्रम में हम सब इकट्ठा होकर के और खीर भोजन का प्रोग्राम किया है शुक्रवार को, और जितने छोटा छोटा बच्चा है सब बुजुर्ग है काफी लोग आके और यहाँ पे खीर भोजन का आनंद उठा रहे हैं। माता अस्कामनी हुई, इनका गाय भैंस ना लगे ले कहू का तकलीफ होला तो यहाँ का दुख दूर कर दिन है। बहुत बड़ा शक्ति है यहाँ के, बहुत बड़ा जवार यहाँ के खीर चढ़ावेला सब मानेला। कितने दिनों से यहाँ पर खीर चढ़ रहा है? बहुत पहले, हमारा जन्म का बहुत पहले बूढ़ पुरनिया चढ़ौले बा। अपना नाम बताइए। हमारा नाम हरिंदर ठाकुर, मुइया के रहे वाला है। बाप दादाओं के समय से चला आ रहा है, यहाँ पूजन होता है, खीर भोजन चलता है, उसी क्रम में आज वार्षिक खीर भोजन और मीटिंग और सुखा का प्रोग्राम जो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरे वहाँ मुइया की जनता यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर। और इस स्थान के बारे में कुछ बताइएगा। यह बहुत पुराने हमारे बाबा दादा बताया करते हैं कि यहाँ अस्कामनी माई का पूजा होता है, तो पहले एक देवी थी और उनका पूजा वर्षों से चला।